मैं पापी हूँ, मैं पाप करता हूँ, ऐसा मानकर कई लोग भगवान से दूर हो जाते हैं, परमात्मा से दूर हो जाते हैं। क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए? अपने आत्मा को ऐसा दुख कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोलना ही गलत है। क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हो ऐसा? मैं दुखी हूँ, मैं पापी हूँ, इसलिए मैं परमात्मा मुझे दर्शन नहीं दे सकता है, मेरा कल्याण नहीं कर रहा है, और फिरते रहते हो किसी तांत्रिक के पास इधर उधर, मुझे क्या दोष है, मेरी कुंडली में क्या दोष है, मैं ऐसा है वैसा है। पहला धैर्य से अपने अंदर का अंदर से उन अंदर, क्योंकि आत्मा की आवाज को एक बार सुन कर देखिए, एक बार अंदर की सांसों को एक बार गिन कर देखिए, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं किस मिट्टी का बना हूँ, एक बार अंदर से देखिए, सोच कर देखिए, मेरा जन्म इन दुख के चक्कर से घेरने के लिए नहीं बना है, क्योंकि मेरा जीवन एक परमात्मा की देन है, माता पिता का ये आशीर्वाद है, ऐसा मानकर अपने अंदर की भावना को जगाओ, नहीं तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि आप खाना या काम करने के लिए जीवन उस लिए नहीं मिला है, क्योंकि मुझे नौकरी यानी है, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बनने वाला हूँ, मुझे बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है, क्या करोगे? अरे भैया क्या करोगे, पैसे के लिए ना क्या करूं, पैसे कमा कर क्या करूं, जीवन की औकात में अपना यहाँ रहना, अपने जीवन यहाँ पर रहकर गुजारने की कोई आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, और पूछता है मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, क्या जरूरत है? ऐसा सब सोचकर जो व्यवहार करता है वो बड़े से बड़ा ऑफिसर बन जाता है, और लोगों की सेवा करता है, और परमात्मा की सेवा में रहकर वो एक साधक बन जाता है। महाराज जी बनना, गुरु बनना कोई बड़ी बात नहीं है, एक साधक बनना बहुत बड़ी बात। मैं साधना में व्यस्त रहता, मेरे पास और मेरा एक साधक है, वो भी साधना में व्यक्त रहता है, बस ध्यान कर। कुछ लोग यहाँ आकर बोलते हैं, बाबा जी महाराज जी आप कहीं नहीं जाते, आप कैसे आपका जीवन व्यतीत करते हैं, आप क्या खाते हैं, आपका कैसा चलता है? मैंने बोला मेरा कैसा चलता है वो भगवान को मालूम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं बस परमात्मा का नाम लेता हूँ। क्या गारंटी आपके पास, आपकी क्या गारंटी, मुझे ये बताओ, पहला मुझे ये बताओ कि आपके पास आप यहाँ रहना या नहीं रहना वो सर्टिफिकेट मुझे बता दो, है किसी में दम नहीं क्योंकि ये सत्य है, जैसा बात करते करते खाते खाते अपना आँख झपक लेते हैं, वैसा इन शरीर से आत्मा कब अलग हो जाए ये कहना कठिन है, क्योंकि एक सिस्टम है, इसके अंदर पहले से ही इतना साहस ले सकता है, ऐसा टारगेट कर अंदर रखा है, उसलिए आप जीवित हैं, मैं तो डे
मैं रोज वो साहस को देखता हूँ, सुनता हूँ क्या बोलता है। आपके अंदर से एक बार शाम के टाइम में सोते वक्त एक बार वो साहस को लेते रहिए, सुनते रहिए कि क्या कहे, उन श्वासों श्वासों से क्या क्या हो रहा है। और एक बार इस शरीर के अंदर जो कि अब रात भर सोते हैं, ये शरीर रोज कितना झूठ बोलता है, क्या क्या खाता है, किधर किधर घूमता है, क्या क्या करता है, उसके लिए वो आत्मा को दुख, जो कि वो परमात्मा को अंदर दुख होता है, उसलिए अब जल्दी सोते हैं और वो घूमने चले जाता है, क्योंकि वो आकाश में घूमने चले जाता है। जब आप लेटे रहते हैं, आप मानते हैं कि मैं सो रहा हूँ, सोना एक गलत नहीं है, सोना एक समाधि है, सोना जो कि रात में सोते हैं वो एक ध्यान है, वो एक ध्यान है, वो एक चिंतित है, क्योंकि इसके कारण वो ऊपर चल जाता है आत्मा और आकाश में घूमता रहता है। तो एक 5 दिन खाना छोड़कर थोड़ा जल ग्रहण करके दूध पीकर एक 5 दिन व्यतीत करो, आपकी व्याख्या में पावर आ जाएगी, आपकी व्याख्या सिद्ध होने लगेगी, आपको रात में नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि भूख की वजह से आपको नींद नहीं आती। मैं बोला ऐसा नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं आती, क्योंकि आपकी आत्मा, आपका जो शरीर है, जो कि एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, जो कि ये शरीर है, ये नश्वंत है, मगर ये मरने के बाद भी एक सूक्ष्म शरीर रहता है, जो कि वो परमात्मा का रूप माना गया है। उसलिए आप ये करके देखिए, एक 5 दिन करके देखिए, क्योंकि थोड़ा दूध और पानी ग्रहण करके एक 5 दिन भूख कर रहकर आप ध्यान करते हुए काम करते रहना, काम नहीं छोड़ना चाहिए, काम तो कर्म है, आपका कर्म है वो, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वो आपका कर्म है, वो तो करना ही चाहिए।